बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। आठ पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला गैंगस्टर विकास दुबे हाल में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों ने रोहित शेट्टी को ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे मिलती जुलती कहानी रोहित ने बहुत पहले अपनी फिल्म सिंघम में दिखाई थी। लेकिन सिर्फ सिंघम ही नहीं, बल्कि अब तक बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें पुलिस वालों ने हिरासत से भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर किया है। आइए ऐसे ही टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। बाटला हाउस। जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में हुए एनकाउंटर पर आधारित फिल्म थी। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा मृणाल ठाकुर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में दो संदिग्ध आतंकवादियों के एनकाउंटर की कहानी दिखाई गई है जो रियल लाइफ में 19 सितंबर 2008 को हुई थी। शूटआउट एट लोखंडवाला। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में हुए एनकाउंटर पर आधारित ये फिल्म एक ऐसी ही कहानी है। ये एनकाउंटर 16 नवंबर 1991 में हुआ था जिसमें कई गैंगस्टर एक कॉम्प्लेक्स में छिप गए थे। लगभग 400 की पुलिस फोर्स ने एनकाउंटर करके इन आरोपियों को ढेर किया था। 2007 में रिलीज हुई फिल्म में इसी की कहानी को दिखाया गया था। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, रोहित रॉय जैसे कई कलाकार शामिल थे। सिंघम। साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म सिंघम डीसीपी बाजीराव सिंघम की कहानी है। इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस अफसर ने करप्शन के चलते सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स करप्ट आरोपी को पकड़कर चालाकी से उसका एनकाउंटर करती है। सिम्बा। सिंघम रिटर्न्स के बाद रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की तीसरी फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह ने करप्ट पुलिस अफिसर भले राव सिम्बा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी मोह वाली बहन का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि गुंडों से मिले होने के बावजूद भी कैसे सिम्बा दोषियों को एनकाउंटर में मारकर अपना बदला पूरा करता है। रईस। शाहरुख खान की फिल्म रईस एक ऐसी ही कहानी है जिसमें शराब का अवैध व्यापार करने वाले शख्स रईस की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि पुलिस वालों को ऑर्डर दिया होता है कि वो रईस को देखते ही गोली मार दें, लेकिन रईस चालाकी से मीडिया के सामने सरेंडर कर देता है। हालांकि बाद में पुलिस अफसर मजुमदार उर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे सुनसान जगह पर ले जाके गोली मार देता है। वेल, तो ये था बॉलीवुड में क्रिमिनल एनकाउंटर पर बेस्ड फिल्म। आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए।